श्रावण मास को खत्म होते ही भाद्रपद मास के आरंभ होते ही मन में भक्ति के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। एक अलग तरह के ही भाव उत्पन्न होते हैं मन में। भाद्रपद मास की अष्टम तिथि को कृष्ण जन्म के उपलक्ष में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ यह त्यौहार उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह उत्तर भारत में मनाए जाने वाला सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी कब है, ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। जैसे जैसे यह त्यौहार नजदीक आता जाता है, लोग उत्सुकता से इसके बारे में सर्च करते रहते हैं। जैसे शुभ मुहूर्त कब है, जन्माष्टमी कौन से दिन को है। तो घबराइए मत दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी जानकारी देने वाले हैं आपको। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें इस त्यौहार से जुड़ी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए, हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जन्माष्टमी वो दिन है जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन की तैयारियां हर जगह चल रही हैं। इस दिन श्री कृष्ण को बाल गोपाल के रूप में पूजा जाता है। कृष्ण भक्तों को इस दिन का इंतजार पूरे वर्ष रहता है। खास तौर से मथुरा और द्वारिका नगरी में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार लोग बहुत ही असमंजस में हैं कि जन्माष्टमी 11 तारीख को मनाई जाए या 12 तारीख को। तो इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री के अनुसार 12 अगस्त को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। जन्माष्टमी पर राहु काल दोपहर 12:27 से 2:06 तक रहेगा। जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र रहेगा, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र रहेगा जो 13 अगस्त तक रहेगा। पूजा का शुभ समय रात 12:05 से लेकर 12:47 तक है। वैदिक या हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टम तिथि और रोहिणी नक्षत्र में ही मनाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ज्योतिष गणना में तिथि और नक्षत्र के समय में अंतर पाया जाता है। यही कारण होता है कि तारीखों का मतभेद नजर आता है। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था, इस वर्ष भी यही संयोग बन रहा है। इसी की वजह से 11 तथा 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। हालांकि कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां 13 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इसी वजह से लोग बहुत असमंजस में हैं कि आखिर जन्माष्टमी मनाए जाने की मुख्य तिथि क्या है। ज़्यादातर पंचांगों में 11 और 12 अगस्त को जन्माष्टमी है, लेकिन ऋषिकेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 13 अगस्त को भी जन्माष्टमी मनाए जाने की तैयारी की जा रही है। वैष्णव मत के मुताबिक 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना श्रेष्ठ है। ऐसे में मथुरा और द्वारिका में 12 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जगन्नाथपुरी, काशी और उज्जैन के कुछ शहरों में 11 अगस्त की रात को कृष्ण जन्म होगा। वहीं गृहस्थ लोगों के लिए जन्माष्टमी का पर्व 11 अगस्त को और साधु और सन्यासियों के लिए यह पर्व 12 अगस्त को होगा। जन्माष्टमी के दिन पर दक्षिणावर्ती शंख से भगवान कृष्ण को अभिषेक करना चाहिए, साथ ही पंचामृत भी अर्पित करना चाहिए। बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये साफ हो गया कि 11 तारीख को गृहस्थ लोगों के लिए जन्माष्टमी का पर्व मनाना उचित है और सन्यासियों के लिए यह पर्व 12 अगस्त को मनाना उचित रहेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमें बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।